मैं कृष्ण कुमार डागा नागपुर से, और यहाँ मालूम पड़ा जब आयुर्वेद का आँख का ट्रीटमेंट होता तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आँख में आयुर्वेद क्या होता है। हमको आयुर्वेद सब मालूम था कि जड़ी बूटियाँ पेट में डाल के और मसाज एंड मालिश से होता है, पर आँख का ट्रीटमेंट और आँख को मेडिसिन से क्रिएट करने वाला मुझे दूसरा नहीं मालूम वर्ल्ड में, कहीं होगा पर मुझे मालूम नहीं है, मैंने कहीं सुना भी नहीं। इनका भी सुनने का कारण पड़ा कि जबलपुर से हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने जब उनका जब ट्रीटमेंट जो पूरे वर्ल्ड में घूम के आने के बाद में कहीं नहीं हुआ तो जर्मन डॉक्टर वगैरह ने बोला आप इंडिया जाके ट्रीटमेंट कराओ, और वो यहाँ पर आके ठीक हुए हैं। और उन्होंने फिर मेरी वाइफ के लिए और मेरे दोनों के लिए कहा कि आप भी जाइए साथ में। आँख ऐसी चीज़ है कि बहुत सेंसिटिव होती है, उसको पहले से ही ठीक रखना जरूरी है। तो मैं भी मेरी वाइफ के साथ आके ट्रीटमेंट लिया, और नॉट ओनली दैट आँख के साथ में मैंने डॉक्टर साहब से गोकुलन सर से कहा भी कि मेरे कान में भी आवाज़ कम आती है फ्लाइट बहुत ज़्यादा फ्लाइट में जाने के कारण, तो उन्होंने कान में भी दवाई दिया मुझे, उसका पूरा फ्लो हो गया। आज मेरी वाइफ मेरे से नाराज़ नहीं होती कि आप मेरी बात सुनते नहीं हो, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी कभी हियरिंग वापस आएगी बिना हियरिंग एड के। मैं प्लस मैंने मेरा आँख का भी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब के और चित्रा मैडम के दोनों के कहने से किया, और मेरा भी विजन बहुत साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। मैं भी 2-4 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ने लगा हूँ आखिरी के छोड़ के बिना चश्मे के, और कई बार तो लगता है कि चश्मे की नीड ही नहीं, हमको हमने पहनना ही नहीं चाहिए। और दोनों डॉक्टर सब लोगों का कहना है कि आप जो सोच रहे हैं करेक्ट है, चश्मे की नीड होना ही नहीं चाहिए, वो इट इज़ लाइक बैसाखी विथ योर आर्म्स आइस के लिए। तो प्लीज़ कम, इसको बिल्कुल ये वेस्टर्न लोगों के बहकावे में आना नहीं चाहिए अपन ने, हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अनबिलीवेबल को बिलीवेबल किया इन्होंने। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ डॉक्टर गोकुलन का एंड चित्रा मैम का, माइंड ब्लोइंग एटमॉस्फेयर यहाँ तो ऐसा बढ़िया है कि माइंड को इतना रेस्ट मेरे को लाइफ में कभी नहीं मिला। हम लोग हर साल 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो नींद नहीं आती होटलों में, यहाँ नहीं आती, यहाँ नींद का जो प्रॉब्लम था मेरा वो भी सॉल्व हुआ, और रात को सोने लगा हूँ मैं, और जब सोने के बाद में इतना पीसफुल है यहाँ कि आप मैं उसको उसका बयान करना डिफिकल्ट है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ डॉक्टर साहब का, और मेरी आप सबसे विनती है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं। आँख ठीक है तो भी एक बार जरूर आना, आप ये समझिए कि अपन अपना सर्विस सेंटर को आँख पूरी बॉडी सर्विस हो रही है यहाँ पर। मेरे तो बहुत आँख में फ़र्क है, कान में फ़र्क है, मेरे साइनसाइटिस का प्रॉब्लम 40 साल से था वो क्लियर हो गया यहाँ पर, और पूरा पैसेज का फ्लो हो गया, कान के अंदर के भी पैसेज फ्लो तो साफ, विश्वास ही नहीं होता कि विदाउट हियरिंग एड आई कैन हियर सो मच नाउ। थैंक यू वेरी मच, इट इज़ अ ऑनेस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम यू, फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू।